माई न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आज हम लोग जा रहे चना भूजला भी हो रहा खाने, यहाँ पर देख सकते हो पुअरा भी रखा गया, तो हम लोग चले वहाँ पर चना को आज फूकने, जो हम लोग गांव में कहते हैं हो रहा फूकने। तो चलिए आज खाएंगे, काफ़ी मस्त। और अभी तो सुबह के यहाँ पे 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह ही जल्दी फूक लेते हैं। तो चलिए आपको देख सकते हैं गाइस, इसको हम लोग ले लिए हैं और लेकर चल रहे हैं। तो ये देख सकते हो खेत में हम लोग का चना रखा गया है, ये वाला, और इसी को हम लोग अभी यहाँ पर चुप के, नहीं तो जो देखेगा वो भी कहेगा हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए। आइए आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाता हूँ हो रहा कैसे खाएं गांव में, जो काफ़ी टेस्ट रहता है इसका हो रहे का, खाकर मज़ा आ जाएगा गाइस। सुबह सुबह खाने के बाद पेट एकदम फर्स्ट क्लास का जाएगा। सुबह का नाश्ता चने, ये देखो चना, जो चना फरता है इस तरह होता है, देखो अभी आपको दिखाता हूँ भाई, खुल जाए। ओ देखो भाई, अभी रुको, हाथ एक तो उड़ गया यहाँ से, देखो भाई देख सकते हो अभी हरा चना है। तो पहले कर लेते हैं तब आगे का ब्लॉग बनाएंगे। और अभी आप देख सकते हो सुबह का क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, ये सब हम लोग का पूरा किचन गार्डन। और धूप देख सकते हो अभी तो निकल रहा है, काफ़ी मस्त आ रहा है। और अभी हम लोग जल्दी से चना कर लेते हैं, खा पी कर अभी उसको, देखो हम लोग गांव में तो इसको हो रहा बोलते हैं, अब आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके आपके यहाँ क्या बोला जाता है। जैसे चना तो बोलते ही हैं और हो रहा भी बोलते हैं, जैसे हम लोग हो रहा जैसे गाँव में रहेंगे तो बोलेंगे चलो हो रहा भूज लें। और यहाँ पर ये देख सो पुअरा लाए हैं, कहीं पे इसे पुआल भी बोला जाता है। और व्यू तो देख सकते हो आप लोग काफ़ी मस्त है, मैं अपना नया ब्लॉग ही स्टार्ट किया हूँ, आप लोग जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे उतना बढ़िया रहेगा गाइस। अभी मेरा कल का ब्लॉग जो गया है वो आप लोग देखेगा, ये भी ब्लॉग आज मैं डाल दूँगा रात 8 बजे तक। ना नहीं नहीं हाँ, सब खा लेके आप लोग ऐसे ही डंडे पे इसको ऐसे रखा जाएगा, फिर यहाँ पे ये पूरा नीचे से जलाया जाएगा, तब इसमें आग लग जाएगा तो ये अच्छे से पकेगा। तो ये आपको धीरे धीरे पूरा दिखाते हैं। ये बार जल तो जाएगा, शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग इस टाइम शाम को थोड़ा ब्लॉग बनाए, क्योंकि सुबह में मैं CUET का फॉर्म भरा है अपने बहन का, फिर उसके बाद हम यहाँ पर खा रहे। तो यहाँ पर देखो मोनू भी आ गया हमारे साथ और ये कब का पानी लेकर खिलवाड़ कर रहा है और परेशान कर रहा है। देखो यहाँ पर मोनू है मोनू क्या करो, देखो ये पानी पूरा बहा रहा है और इसमें भर गया, तब पर हड़ो अभी हम लोग थोड़ा इसको पानी दे देते हैं। मोनू उधर से पाइप खींचे थे गाइस, पानी देना काफ़ी आवश्यक है, इस टाइम गर्मी बहुत हो रहा है और अभी मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है। इधर आके खींचो, बस बस मोनू बस। और ये देखो मेरा कटहल का पेड़ भी है जो कि काफ़ी अच्छा हो गया है अब। और क्या देखो मोनू क्या खा रहे हो, मोनू पान
गुटका एक इमली देख सकते हो ये लोग मोनू ये कि पूरी तरह से पागल है, मोहन के भाई है ना मोनू, मोहन के भाई है सर मंटर, अरे वो क्या कहला रहर कटार, हाँ रहर कटार। ये ऐसे लड़के हैं जो जाते हैं बिहार में तो बिहारी हो जाते हैं और यूपी में आते हैं तो यूपी वाले हो जाते हैं। बस 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 अपने पूरे गार्डन में हम लोग पानी दे देते हैं क्योंकि इस टाइम इन सभी पेड़ों को पानी की आवश्यकता है। और वो देख सकते हो धूल आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि वो सरसों का डा मतलब सरसों पूरा ओसाया जा रहा है। तो उस टाइम भाई सरसों का तो गजब धूल होता है, देख रहे हो आप लोग, लगता है एकदम पूरा अब इसी यही धूल होगा फिर पूरा ख़राब होगा ना मोनू। मोनू हंस रहा है कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो ये हंसता है और इसको अच्छा नहीं लगता ना मोनू। हाँ मनु बक इधर इधर कैमरा में इधर देख के बोलो बक। अच्छा मोनू पानी भरो, तो अभी मैं इसको मोनू को दे देता हूँ पानी भरने के लिए और इसको जैसे ही पाइप देता पूरा खिलवाड़ करता है मोनू। इसको देखो इसको यहाँ से लगाए पूरा यहाँ तक भरना है ठीक। तो गाइस देख सकते हो आप लोग कितने सरसों का पूरा धूल हो गया है, काफ़ी मतलब पूरा एकदम पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो गया है। जब ये सरसों का टाइम हो गया है अभी इस वक्त और आप लोग देख सकते हो ये सब पूरा जितना भी ये सब आपको दिखाई दे रहा है पूरा पॉल्यूशन है काफ़ी। मतलब गांव में यही एक दिक्कत है, मतलब जब भी सरसों दबाता है तो यही सब पूरा हो जाता है, देख रहे हो आप पूरा कितना दूर तक पूरा फैला हुआ है। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय। और आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को और अपने आसपास के सभी लोग को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए ठीक है गाइज़।